हाय गाइस, पूरे 8 महीने बाद मैं पार्लर जा रही हूँ। और जब मैं मार्च में बॉम्बे से लखनऊ आई थी तब मैंने अपने फेस पर फेशियल करवाया था और वैक्सिंग करवाई थी। उसके बाद से पूरा लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, कुछ भी नहीं हो पाया और ना ही मैं पार्लर जा पाई। अब मैंने सोचा कि चलो टाइम निकाल करके मुझे जाना चाहिए, क्योंकि आप मेरी स्किन देख सकते हैं काफ़ी ऑयली हो गई है। और ज़्यादा दिन तक के हर महीने आपको क्लीनअप तो फेस पर करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ और मैं अपने आपको इतना टाइम भी नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब मुझे फील हुआ कि हाँ, मेरी स्किन में थोड़े पिंपल भी आ रहे हैं और इसको क्लीन भी करवाना चाहिए। वैसे आप घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वैक्सिंग भी करवानी है जो कि मैं घर पर नहीं कर सकती हूँ, तो वहीं से मैं क्लीनअप करवाने वाली हूँ और पेडिक्योर करवाने वाली हूँ और वैक्सिंग करवाने वाली हूँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, मुझे नहीं पता कैसा होगा। फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ ऐसा वीडियो शेयर कर रही हूँ। अभी तक के एक्टिंग से रिलेटेड ही मैंने आपको वीडियो शेयर किया है, लेकिन अब ये मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप खुद एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको भी अपनी स्किन का खास ख्याल रखना है, और स्क्रीन पर अच्छा दिखने के लिए तो आपको अपनी स्किन का खास ख्याल रखना ही पड़ेगा। चाहे आप एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना ही चाहिए। मैंने पूरे 8 महीने से कोई भी क्लीनअप वगैरह नहीं किया, लेकिन अब मैं पार्लर में जा रही हूँ करवाने के लिए, तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। पार्लर में पहुँच चुकी हूँ। पार्लर मेरे घर से बहुत ही पास था, तो मैं आ गई। आ जाओ। सो कल बात करके गई थी मैं। सो गाइस, मैं पार्लर पहुँच चुकी हूँ। आप सो चेंज करने जा रही हूँ। मैं पार्लर पहुँच गई हूँ और चेंज करने जा रही हूँ। पहले वैक्सिंग होगी और फिर क्लीनअप होगा। तो मैंने ये गाउन दिया है, मैंने चेक चेंज कर लिया, आप देख सकते हैं पीछे। और अभी पहले हैंड का वैक्सिंग होगा, फिर पहले वैक्सिंग करवाऊंगी, वैक्सिंग के बाद तो क्लीनअप होगा, आईब्रो थोड़ी सेट करवानी है, फिर पेडिक्योर मैनीक्योर सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले वैक्सिंग होने वाली है। वैक्सिंग वैसे मुझे बहुत ज़्यादा हाथों में बाल नहीं है, लेकिन फिर भी एक हाथ जो होते हैं ना साफ़ हो जाते हैं। देख सकते हैं आप, वैक्सिंग हो रही। मुझे वैक्सिंग से तो बड़ा डर लगता है, इसी वजह से पूरे घर में इस वजह से मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे डर बहुत लगता है। कुछ लोग कहते हैं चलो घर में कर ले, लेकिन मेरे से वैक्सिंग नहीं होती, बहुत डर लगता है। एक बार किया था तो मैंने अपना पैर ही जला लिया था, ये पूरा गिरा लिया था, उसके बाद पूरी खाल अट गई। हाँ सो यहाँ मुझे मेरा वैक्स कर रही है, बहुत ही अच्छी है। मैं बहुत पहली बार मैं मिली हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है नीचे का। सो वैक्स हो रहा है मेरा, फाइनल मैं आपको दिखाऊँगी, अभी आपको सही से नहीं दिखेगा। फेशियल हो चुका है, ये फेस पैक लगा करके छोड़ा है, इसे थोड़ी देर तक के लिए छोड़ना है ताकि जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो सके। अब पेडिक्योर टाइम है, पानी बहुत गर्म है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो, ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।
पेडिक्योर हो चुका है, जो फेस पर पैक लगाता है उसको निकालने जा रही है, साफ करने जा रही है। कभी भी अगर आप घर में भी स्क्रब करते हैं तो स्क्रब करने के बाद आपको फेस पैक लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैं जब भी घर में भी स्क्रब करती हूँ तो खास करके फेस पैक ज़रूर लगाती हूँ। उससे होता ये कि आपके जो पोर्स ओपन हो जाते हैं वो मिनिमाइज होते हैं, उनके अंदर दोबारा डस्ट नहीं जाती है। तो कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है कि स्क्रब करने के बाद पैक ना लगाएं। तो ज़रूर से ज़रूर आपको पैक लगाना है, जो कि इन्होंने किया क्लीनअप में। क्लीनअप मैं घर पर भी करती हूँ, लेकिन मुझे वैक्सिंग करानी थी तो मैंने बाहर ही क्लीनअप करवा लिया। अभी इन्होंने फेस को साफ करके, फेस पैक हटा करके जेल लगा रही हूँ उसके ऊपर। इसके मेरे बचपन से ही मेरे दान करने लगे थे, ध्यान देने वाला कोई था नहीं। सब मम्मियाँ करती थी, जब कोई ध्यान देने वाला नहीं रहा तो मैं कुछ क्या समझ लूँगी। फेस काफ़ी साफ़ हो गया है काफ़ी दिनों के बाद, पूरे 8 महीनों के बाद मैंने फेस पर क्लीन अप करवाया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है फेस, सॉफ्ट सॉफ्ट और क्लीन क्लीन मेरा फेस लग रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है फेस। तो मैंने मास्क पहन लिया है बाहर जाने से पहले। सो बाय बाय। आंटी जिन्होंने मेरा फेशियल किया और इतना अच्छा फेशियल किया, इन्होंने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। इतनी खूबसूरत सा पार्लर है, अगली बार मैं ज़रूर से ज़रूर आऊँगी, बहुत ही खूबसूरत पार्लर है, आप देख सकते हैं।